Hello everyone, welcome to our YouTube channel. And as you know, my name is Nitin Kumar and I teach you all English grammatical lessons and how to speak English. So guys, आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं much और many को use करना. काफी confusion रहती है ना आपको कि much कहाँ use करना है, many कहाँ use करना है, इसकी conditions क्या है, rule relation क्या है. So आज हम इस चीज को clear कर लेते हैं. चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो. So देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है हाउ टू यूज मच एंड मैनी. फ्रेंड्स, दोनों का मतलब तो एक ही होता है कि दोनों का मतलब होता है बहुत या ज्यादा के लोग मैनी मतलब. ठीक है, सो लेकिन इन दोनों को अलग अलग यहाँ पे यूज किया जाता है. ठीक है, ये सबसे पहली कंडीशन जो है मच की है कि मच को इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, जहां पर सिंगुलर अनकाउंटेबल थिंग होगी, मीन्स जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वहां पर हम लोग मच का यूज करेंगे. ओके, सेकेंड है मैनी. मैनी का मीनिंग भी वही होता है. ठीक है, लेकिन इसको यूज कब करेंगे हम लोग, जब हमारे पास कोई प्लुरल काउंटेबल थिंग होगी. ठीक है, जब कोई ये ऐसी होगी जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, मैनी का इस्तेमाल करेंगे. अच्छा, इस्तेमाल करने से पहले, एग्जाम्पल समझने से पहले, इसके कुछ जो नॉट है मतलब इसकी कुछ कंडीशन है, ये अपनी कंडीशन बताते हैं कि हमारी इस कंडीशन पे हमें यूज किया जाता है, उस कंडीशन को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं. जैसे कि यहाँ पर लिखा है, सबसे पहले मच एंड मैनी आर बेसिकली यूज इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. मतलब मच और मैनी को ज्यादातर बेसिकली सामान्य तौर पर हम लोग किसमें यूज करते हैं, नेगेटिव के साथ और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ. ठीक है, जैसे हाउ मच यू हैव मनी, लाइक दिस तरह से दो एग्जांपल देंगे, समझ जाएंगे हम लोग. ठीक है, तो पहली कंडीशन तो इसकी ये है. सेकंड कंडीशन इसकी ये है कि मच एंड मैनी आर आल्सो यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस विद सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. ये जो है सब्जेक्ट के साथ भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट के साथ भी आता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर, बट उसकी कंडीशन क्या है कि उसके साथ क्या होना चाहिए, कब आएगा, व्हेन, एज, हाउ, टू कम्स विद मैनी एंड मच. जब इनके साथ क्या लगाओ, मैनी एंड मच के साथ क्या लगाना चाहिए, या तो एज हो या हाउ या टू हो, जब ये सब आएगा तब हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं. ठीक है, अगर ये चीज नहीं है तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल इसका नहीं करेंगे हम लोग. तो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल समझेंगे आपको और क्लियर हो जाएगा डीपली कि ये दोनों जो कंडीशन है वो कैसे डिफाइन होती है. चलिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखे हुए, आप देख रहे हैं, ये देखिए आपको, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे पास बहुत दूध नहीं है, मतलब मेरे पास ज्यादा दूध नहीं है, उसके पास दूध खत्म, मतलब ज्यादा दूध उसके पास नहीं है, बहुत कम दूध है. तो ज्यादा वर्ड का यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर होगा आई हैव नॉट मच मिल्क. अब आप नोटिस कर रहे हो यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या करा है, मच का यूज किया हुआ है. आप देख रहे हो मच क्यों लगाया है, बिकॉज ऑफ मिल्क को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल थिंग है, तो जब अनकाउंटेबल थिंग होगी तो मच का यूज करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर मच का यूज किया है. सेकेंड एग्जाम्पल है मेरे पास ज्यादा कमले नहीं है, मतलब उसके पास ज्यादा पैंट नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, आई हैव नॉट मैनी पैंट्स. अब देखिए यहाँ पर पैंट को हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या वर्ड यूज किया, मैंने मैनी का इस्तेमाल किया हुआ है. तो इसी तो क्लियर है कि जब कोई चीज काउंटेबल होगी तो हम लोग मैनी लगाएंगे और जब अनकाउंटेबल होगी तो मच का यूज करेंगे. ठीक है, एक और एग्जांपल है. अब देखिए ये तो नेगेटिव था, अब ये इंटरोगेटिव है, मींस जिसके अंदर कोई क्वेश्चन पूछते किसी से. ठीक है, जैसे कि क्या तुम्हारे पास बहुत सोना है, अब वो गोल्ड की बात कर रहा है कि आपके पास बहुत सारा सोना है, हमने बोलता है अब है या नहीं बोलता नहीं, हम लोग पूछते हैं कि उसके पास बहुत सारा सोना है या नहीं. तो यहाँ हुआ हैव यू मच गोल्ड, हैव यू मच गोल्ड. अब सोने को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, वो क्वांटिटी में चलता है, तो इसलिए यहाँ पर भी क्या यूज किया गया है, मच का मैंने इस्तेमाल किया है. तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है फ्रेंड्स कि जब काउंटेबल होगा तो मैनी और जब अनकाउंटेबल होगा तो मच. ठीक है, तो ये चीज तो क्लियर हो गई है. जो फर्स्ट इसका जो कंडीशन थी कि नेगेटिव के साथ और ये देखिए नेगेटिव के साथ और दूसरा इंटरोगेटिव के साथ बेसिकली इसका यूज किया जाता है मच और मैनी का, तो यहाँ पर वो चीज हो गया. अब सेकेंड को सेकेंड कंडीशन को हम लोग फॉलो करेंगे. देखिए सेकेंड कंडीशन में मैंने कहा था कि क्या क्या होना चाहिए हमारे पास, एज, हाउ, टू, जब ये सब आएगा तब हम उसका मैनी और मच का इस्तेमाल करेंगे. तो देखिए एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा हुआ है, मैंने बहुत ज्यादा दूध पी लिया. अब कई बार क्या होता है, कहता है यार कुछ ज्यादा दूध पी लिया मैंने, पेट थोड़ा हैवी हैवी से लग रहा है, तो ज्यादा दूध पी लिया. अब इस स्टेटमेंट को कहने के लिए क्या तरीका है, आई ड्रिंक टू मच मिल्क. अच्छा, आपने एक चीज नोटिस करी, यहाँ पर मैंने मच से पहले क्या यूज कर दिया है, टू का यूज किया हुआ है. तो इट्स मीन जब अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर
हम लोग चाहते हैं मच मैंने का यूज करना, तो एक चीज ध्यान रखनी है, हमें एज हाउ या टू का यूज करना ही होगा, अदरवाइज अगर नहीं किया तो उसका नीचे एग्जांपल भी दिया मैंने, तो इसी ध्यान है कि यहाँ बनेगा आई ड्रैंक टू मच मिल्क, ठीक है। और अगर हम लोग इन चीजों को यूज नहीं करते, जैसे एज हाउ टू ये सब नहीं लगता है, तो कैसे बनेगा, तो उसी कंडीशन होगी अफर्मेटिव के अंदर कि आई ड्रैंक लॉट्स ऑफ मिल्क, ठीक है। अब आप यहां देखिए, मैंने यहां क्या यूज किया, लॉट्स ऑफ, ठीक है, लॉट्स ऑफ ये सब चीजें क्या नाम है, क्वांटिटी ऑफ, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो समझाऊंगा, बट अभी आपको ये चीज समझना है कि जब अगर आप टू नहीं लगाएंगे तो आपको हाउ मच यूज करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस कंडीशन पर आप लॉट्स ऑफ भी बोल सकते हैं कि आई ड्रिंक लॉट्स ऑफ मिल्क। सो बहुत छोटा सा लेसन है, छोटी सी कंफ्यूजन होती है आप लोगों को, तो आपकी एज क्लियर होगी होगी। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मच और मैनी का यूज कहाँ करना है। और फिर भी अगर इनके आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी रह जाती है, आपको कुछ क्वेश्चन है आपके, या फिर आप चाहते हो कोई लेसन आप सीखना चाहते हो, तो आप बताइए और हम उस पर क्या नाम वीडियो बनाएंगे, आपको सिखाएंगे। सो तब तक के लिए वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।